हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी देखिए मेरा अंडा मैगी है। तो अंडा मैगी तो सभी बनाते हैं, तो एक बार आप इस तरह के मैगी बना के देखिए। तो इसको बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ 3 मैगी लिया है और 2 अंडा लिया है। तो आइए हम देखिए, यह हमने एक बड़ा साइज का प्याज लिया है और एक हरी मिर्च को बारीक छोटा छोटा काट लिया है। और सबसे पहले हम अंडे को ऐसे तोड़ लेंगे, दोनों अंडे को हमने ऐसे तोड़ लेना है। अब इसमें हम डालेंगे एक चुटकी हल्दी, नमक भी हमें इसमें थोड़ा सा डालना है स्वाद के अनुसार। 2 अंडा है, उसी हिसाब से आप नमक भी डाल दीजिए थोड़ा सा। और जो हमने एक प्याज लिया है और एक जो हरी मिर्च लिया है उसको हम बारीक काट के इसमें डाल देंगे। अब इसको आप अच्छी तरह से फेंट के इसको तैयार कर लेंगे। इसको थोड़ी देर ऐसे 1-2 मिनट तक ऐसे बढ़िया करके फेंट लीजिए। ये देखिए मेरा अब ये तैयार हो गया है। इसको हम रख लेंगे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई गरम करके इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल हमें जब गरम हो जाएगा तब हमें इसमें अंडे को डालना है। तो तेल देखिए हमारे यहाँ गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अंडे डाल के इसका अब आमलेट बना लेंगे। इसका हमें एकदम तोड़ के भुजिया नहीं बनाना है, इसका हमें आमलेट बना लेना है। तो देखिए ये हमारा नीचे का हिस्सा अब बनने वाला है, इसको हमें हम पलट देंगे। ये देखिए नीचे का हल्का गोल्डन हो गया, अब इसको हम पलट देते हैं। ऐसे दोनों साइड हमें एकदम बढ़िया करके तल लेना है। ये हमारा आमलेट अब तैयार हो गया, इसको हम अब उतार लेते हैं। यह हमने उतार लिया है। अब इस कढ़ाई में हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ देखिए पानी हमने कितना डाला है, हमने 3 मैगी लिया है तो हम उसी हिसाब से 3 गिलास पानी लेते हैं। तो इसमें मैं एक एक करके 3 गिलास पानी डाल दिया ये। और मसाला मैगी का जो होता है उसको हम निकाल के अब पहले हम पानी गर्म होने के बाद इसमें मसाला डाल देंगे, मैगी को हम बाद में डालेंगे। ये देखिए तीनों मसाला को हमें ऐसे डाल देना है। आप चाहे 2 लो मैगी या 3 लो, पर जितना भी लेंगे आप उसका मसाला पहले डाल देंगे। डाल के हमें पानी को पानी में अब उबाल आने देना है। तो पानी में देखिए उबाल आ गया है। अब हम इसको मैगी को तोड़ के इसमें डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर इसमें ऐसे अच्छी तरह इसको डुबो देना है। ये देखिए अभी हो गया। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जब तक 2 मिनट हो रहा है तब तक हम इसको अंडे का अब हम इसको हम कट कर लेते हैं। ऐसे हमें छोटा छोटा पीस में इसको कट कर लेना है। ऐसे हमें काट काट के देखिए ऐसे हमें बना लिया है। अब देखिए 2 मिनट बाद हमने इसको खोल दिया है। अब हमारा मैगी देखिए ये बनने वाला है। आधा मैगी तो हमारा ऐसे बन गया। अब इसको हमें स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाल मिर्च और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल के इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे। अभी मिक्स होने के बाद ऊपर से हमें ये अंडा को भी डाल देना है। ये जो हमने आमलेट बना के रखा था इसको अब डाल देंगे। इसको भी हम इसमें अच्छी तरह फैला देंगे सारी जगह। अब इसमें हम इसको हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारा अंडा का जो स्वाद है वो पूरा मैगी में फैल जाए। तो ये देखिए 2 मिनट बाद हमने खोल दिया है। अब ये देखिए हमारा मैगी बनके एकदम तैयार है। तो ये हमारा मैगी बनके तैयार है। अब इसको हम उतार लेते हैं। ये देखिए हमने उतार लिया है। मैं अंडा मैगी तो घर में सभी बनाते हैं, पर एक बार इस तरह का मैगी आप ज़रूर ट्राई करना और खा के देखना, इसका स्वाद ही अलग होता है। लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।